हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल मेक एग बाइट्स जो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। वी कैन सर्व इट एज ब्रेकफास्ट और स्नैक्स और हम इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियों को ऑलरेडी चॉप कर लिया है। 1 टोमेटो, 1 ग्रीन चिली, 1/2 कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कुछ धनिया पत्ती, अनियन और ये मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम लिए हैं और ये 4 एग्स हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम एक बॉल में एग्स को बीट कर लेंगे। आप एग्स ज्यादा ले रहे हैं तो आप सब्जियों को थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं और जो सी आपको डालनी है वो डाल सकते हैं। जैसे ग्रेटेड कैरेट ले सकते हैं हम इस टाइम पर, अगर आप कैप्सिकम पसंद नहीं करते हैं तो जो सी वेजेस आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़े से ओरिगैनोस मैंने डाले हैं, बस हमें इसे अच्छे से बीट करना है। और इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे। ये मैंने रूम टेम्परेचर मिल्क लिया है, 1 to 2 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो वेजीज हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। कैप्सिकम ये मैंने 1/2 ली थी, आपको कम लेनी है आप कम ले सकते हैं, ज्यादा लेनी है ये मैंने 1 स्मॉल अनियन लिया था। टोमेटोज, ये ग्रीन लीव्स, सब डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिली, इसमें मैं ब्रेड क्रम डाल रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आपके पास ओट्स है तो उसका आप पाउडर बनाकर डाल सकते हैं, सत्तू डाल सकते हैं। मैं 3 स्पून इसमें ब्रेड क्रम डाल रही हूँ। हमने 4 एग्स लिए थे, उसमें मैंने 3 टीस्पून इसमें मैंने ब्रेड क्रम ऐड किया है और थोड़ा सा हम इसमें मोजरेला चीज भी ऐड करेंगे। अगर आपको चीज ज़्यादा चीज़ ही पसंद है तो आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ डाल सकते हैं। मैं 2 टेबलस्पून इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ और अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम अप्पम पैन में बना रहे हैं तो जिसके लिए मैंने एक अप्पम पैन लिया है, गैस मैंने ऑन कर दिया है। तो ये कैविटीज़ को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कि ये पैन के साथ स्टिक ना हो और इक्वल अमाउंट में हम इसमें डालते जाएंगे। इसे पकाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। ये गैस हमारा लो फ्लेम पर रहेगा। सब हम इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। एक से दो मिनट हो गया, हम चेक कर लेते हैं। ये एक साइड से हो गए हैं, ये दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। गैस हमारा लो फ्लेम पर ही है, थोड़े गर्म है सो इसे केयरफुली हमें टर्न करना है। फिर से इसे कवर करके दूसरी साइड से भी कुक होने देंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं हम। जैसे ये पक गए हैं हमारे तो हम इन्हें निकाल लेते हैं, ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अगर आपके पास बड़ा अप्पम पैन है जिसमें ज़्यादा कैविटीज हैं तो आपके और जल्दी बन जाएंगे। अगर आपके पास बिग साइज का अप्पम पैन है तो आपके एग बाइट्स और भी जल्दी बन जाएंगे। ऐसे हम फिर से इनको ग्रीस करेंगे और इसमें एग मिक्सचर डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। कवर करके हमें इसे बनाना है, अदरवाइज वो ऊपर से ड्राई हो जाएंगे।
इसे हमें गरम गरम ही सर्व करना चाहिए बिकॉज ठंडे होकर ये उतने टेस्टी नहीं लगेंगे। और इसे हम केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर चटनी अवेलेबल नहीं है तो हम वैसे भी खा सकते हैं, ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।